कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने LLB थर्ड पेपर एवं फोर्थ पेपर की एक एक प्रश्नों की चर्चा की थी, तो अब हम LLB थर्ड पेपर लॉ ऑफ टार्ट्स के विस्तृत प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपकृत्य विधि के विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखें एवं भारत में अपकृत्य विधि के धीमे विकास के क्या कारण है व्याख्या कीजिए। राइट डाउन शॉर्ट एसे ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टार्ट्स एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टार्ट इन इंडिया, एक्सप्लेन इट। जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इस सूक्ति का क्या तात्पर्य है समझाइए। अंग्रेजी विधि का महत्वपूर्ण विकास नॉर्मन विजय के पश्चात हुआ, इसके पूर्व अपराध तथा अपकृत्य विधि में कोई अंतर नहीं था। इस काल में अधिकतर मामले प्रतिकर तथा समझौते के आधार पर तय किए जाते थे। नॉर्मन विजय के पश्चात हेनरी द्वितीय के शासनकाल में राजा को शांति भंग के मामले में सभी प्रकार की हिंसा को दंडित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस निमित्त न्यायालय स्थापित किए गए। 13वीं शताब्दी में अतिचार की याचिका का प्रारंभ हुआ। इसमें संपत्ति के विरुद्ध अतिचार तथा व्यक्ति के विरुद्ध अतिचार अर्थात दीवानी अतिचार या आपराधिक अतिचार में कोई अंतर नहीं था। अतिचार की याचिका, जिसे याचिकाओं की जननी मदर ऑफ रीट्स कहा जाता था, प्रतिकर तथा दंड दोनों को अपने में समाविष्ट किए थे। भारतीय अपकृत्य विधि है, अंग्रेजी अपकृत्य विधि पर आधारित है, अतः अंग्रेजी अपकृत्य विधि के विकास का अध्ययन आवश्यक है। प्रारंभिक काल में अंग्रेजी कॉमन लॉ मुख्यतः अधिकारों से संबंधित न होकर उपायों से संबंधित था। किसी व्यक्ति की शिकायत पर उसे तभी उपचार उपलब्ध हो पाता था जब न्यायालय के पास उसकी व्यथा या शिकायत के लिए उपचार पहले से उपलब्ध था। इस प्रकार 14वीं शताब्दी में वादों या शिकायतों की सफलता रिटों या उपचारों की उपलब्धता पर निर्भर रहती थी। उस समय सुक्ति या सिद्धांत जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है। इसी के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यथा का परिहार या परिमार्जन के लिए न्यायालय के पास कोई उपचार पहले से उपलब्ध है कि नहीं, यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होता तो उस परिस्थिति में व्यथित व्यक्ति को कोई उपचार प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक न्याय की मांग नहीं कर सकता था। न्याय की उपलब्धता व्यथा या शिकायत के लिए उपचार की उपलब्धता पर निर्भर रहती थी। यदि एक व्यथित व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर पाता था कि उसकी शिकायत या रिट के अनुरूप न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध है, तो उसकी शिकायत कितनी भी न्याय संगत क्यों न हो, उसे उपचार प्राप्त नहीं हो पाता था। इस प्रकार यदि न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध रहता था, तभी उसकी शिकायत या व्यथा के लिए उपचार प्राप्त करने से उसके अधिकार को मान्यता दी जाती थी, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त वादी को सही प्रकार की रिट का चयन करने में सावधानी लेनी पड़ती थी, क्योंकि यदि उसने अपनी व्यथा के लिए गलत रिट का चुनाव किया है जिसके अंतर्गत उसकी व्यथा नहीं आती थी, तो उसका वाद असफल हो जाता था। संक्षेप में, इस अवधि में व्यथित पक्षकारों को उपचार या न्याय अधिकार पूर्वक प्राप्त नहीं होता था। न्याय की उपलब्धता न्यायालय के पास उपचार की उपलब्धता पर निर्भर होती थी तथा सिद्धांत यह था कि जहाँ उपचार है वहीं अधिकार या न्याय है। इस प्रकार न्याय की उपलब्धता की प्रक्रिया पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति 500 वर्षों तक चलती रही। सन 1832 और 1833 के दौरान विधि में कुछ परिवर्तन किया गया और अंत में सन 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा रिटों को समाप्त कर दिया गया। अब यह आवश्यक नहीं था कि उपचार की उपलब्धता के लिए व्यथित पक्षकार यह साबित करे कि उसकी व्यथा के अनुरूप उपचार या रिट न्यायालय के पास उपलब्ध है। सन 1873 के जुडिकेचर अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया, व्यथित पक्षकार के शिकायत पत्र या अभिवचन या प्लीडिंग्स में सिर्फ सारवान तथ्यों का
संक्षेप सम्मेलन होना चाहिए जिस पर वादी अपना मामला आधारित करना चाहता है। अब स्थिति यह है कि जहाँ न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति का विधिक अधिकार है तथा उस विधिक अधिकार का उल्लंघन, हनन या अतिक्रमण हुआ है, तो उसके लिए उपचार उपलब्ध होगा। इस प्रकार अब स्थिति यह है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को मान्यता दी जानी थी। कोई व्यक्ति उपचार रिटों की उपलब्धता के आधार पर नहीं अपितु विधिक अधिकार की उपलब्धता के आधार पर उपचार प्राप्त कर सकता था। अब यह सिद्धांत अस्तित्व में आया कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। इस प्रकार व्यथित पक्षकारों की शिकायतों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नवीन रिटों के विकास का युग प्रारंभ हुआ। अब रिटे या उपचार सीमित न होकर विभिन्न परिस्थितियों तथा तथ्यों के आधार पर भिन्न भिन्न होने लगे। अब कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक न्याय या उपचार की मांग करने के लिए सक्षम हो गया। अब यह स्थिति हो गई कि जहां कहीं भी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन हुआ है, तो न्यायालय उसके विधिक अधिकारों को मान्यता देते हुए उसे उपचार प्रदान करेगा। अर्थात अब उपचार प्राप्त करने का आधार रिटों की उपलब्धता न होकर उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। अब वादी को सिर्फ यही साबित करना होता है कि उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता के किसी विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, तो न्यायालय उसे उपचार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। भारत में अपकृत्य विधि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। भारतीय अपकृत्य विधि अंग्रेजी विधि पर आधारित है। अपकृत्य विधि का भारत में प्रवेश अंग्रेजों द्वारा अपने शासन काल में कराया गया। सन 1726 में प्रथम ब्रिटिश न्यायालय मेयर न्यायालय स्थापित हुआ, जिसका जन्म ब्रिटिश सम्राट के द्वारा प्रदत्त अधिकार में के अंतर्गत हुआ। यह प्रथम न्यायालय था जिसको ब्रिटेन ने मान्यता प्रदान की और उसके निर्णयों की अपील इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। इस न्यायालय द्वारा अंग्रेजी विधि ही प्रयोग में लाई गई थी, परंतु यहाँ उपयुक्त विधि उपलब्ध नहीं होती थी। वहाँ उस न्यायालय के न्यायाधीश न्याय, साम्या तथा सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय देते थे। यह सिद्धांत अत्यंत विस्तारित था तथा इन सिद्धांतों की आड़ में ब्रिटिश या अंग्रेजी विधि भारत में प्रविष्ट कराई गई। अपकृत्य विधि चूंकि ब्रिटिश कॉमन लॉ की अंग थी, अतः इसकी आड़ में अपकृत्य विधि भारत में प्रवेश कराई गई। भारत में आज भी अपकृत्य विधि संहिताबद्ध विधि नहीं है तथा यह इंग्लैंड की सामान्य विधि के नियमों पर आधारित है। भारत में अपकृत्य विधि की धीमी विकास गति के कारण है। इनके प्रमुख कारणों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता की कमी। अधिकांश भारतीय जनता आज भी साक्षर नहीं है। जो साक्षर हैं उनमें भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है। अधिकांश भारत गाँव में निवास करता है और अधिकांश ग्रामीण जनता अपने विधिक अधिकारों को जानती ही नहीं है। जो विधिक अधिकारों से भिन्न भी है, भिज्ञ है और उनमें सहन शक्ति की भावना अधिक है। इंग्लैंड में जहाँ एक नाई की उपेक्षा के कारण चर्म रोग होने पर उसके विरुद्ध उपचार के लिए वाद लाया जाता है, वहीं भारत में नाई की उपेक्षा के कारण कुछ हो जाने पर उसे सहन कर लिया जाता है। इसी प्रकार यदि अंतःवस्त्र के पहनने पर कोई चर्म रोग या परेशानी हो जाती है, तो उसके विरुद्ध इंग्लैंड में तो मुकदमा हो जाएगा, परंतु भारत में इस स्थिति को सहन कर लिया जाएगा। परंतु भारत में भी अपकृत्य के मामले में कुछ जागरूक व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाने लगे हैं। एक मामले में बस स्टाफ पर हाथ देने पर भी दिल्ली नगर निगम की बस के न रोकने पर एक वकील ने वाद संस्थित किया तथा दिल्ली की न्यायालय द्वारा उसे 1,500 रुपये के साथ वाद खर्च तथा शारीरिक और मानसिक कष्ट एवं अन्य बातों के लिए प्रतिकर दिलाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अत्यधिक खर्च तथा विलम्बकारी न्यायिक प्रक्रिया, अनड्यू एक्सपेंसेस। भारत में विधिक प्रक्रिया विदेशों की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। न्यायिक प्रक्रिया अधिक खर्चीली होने के कारण यह आम भारतीय की पहुंच से बाहर है। श्याम सुंदर बनाम राजस्थान AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 890 नामक वाद में एक विधवा को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा तथा उसे 21 वर्षों के पश्चात अपने पति की मृत्यु के कारण सिर्फ 15,000 रुपये प्रतिकर प्राप्त हुआ। क्षमाशीलता की प्रवृत्ति। भारत में एक प्रवृत्ति यह भी है कि अपराध करने वाले को दंड भगवान देगा, इसलिए हम अपराधी को अपने स्तर पर क्षमा कर देते हैं। साथ ही भारतीय लोग छोटे छोटे अधिकारों के अतिलंघन को चुपचाप सहन कर लेते हैं, जबकि इसके विपरीत इंग्लैंड में अपने अधिकारों के प्रति सजगता देखी गई है, जिसका परिणाम है कि वहाँ अपकृत्य विधि विकसित है। चौथा कारण है निर्धनता। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँव में रहता है और उनमें भी ज़्यादातर गरीब एवं अनपढ़ है।
कुछ तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी इतने निर्धन है कि न्यायालयों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वैसे भारतीय न्यायालयों एवं विधिज्ञों ने गरीबी के लिए सतत न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था की है, लेकिन यह भी जानकारी के अभाव में लोगों की बहुत से बाहर है। पांचवा कारण है अपकृत्य विधि का संहिताबद्ध न होना। यह सुविदित है कि यह अपकृत्य विधि एक संहिताबद्ध विधि नहीं है। संहिताबद्ध विधि न होने के कारण इसके नियमों और सिद्धांतों में निश्चितता और एकरूपता का अभाव है। किसी विधि की अनिश्चितता उस दशा में और भी बढ़ जाती है जब इसमें पूर्व निर्णयों का अभाव है। इंग्लैंड में यद्यपि पूर्व निर्णय अधिक सुलभ है, किंतु भारत की परिस्थितियों में वे सब लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारत में इस विधि पर निर्णयन विधि का अभाव है। इंग्लैंड में यद्यपि पूर्व निर्णय अधिक सुलभ है, किंतु भारत की परिस्थितियों में वे सब लागू नहीं किए जा सकते। भारत में इस विधि पर निर्णय विधि का अभाव है, इसलिए भारत में अपकृत्य धीरे धीरे एक विकासशील विधि के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर रही है, जबकि इंग्लैंड में यह विकसित रूप में विधि के रूप में अस्तित्व में है। ऐसी कठिनाइयों के बावजूद भारत में अपकृत्य विधि विकास उन्मुख है। मोटरयान अधिनियम 1939 के अंतर्गत अब काफ़ी मामले न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं। भोपाल गैस कांड के कारण व्यथित व्यक्तियों को भारतीय न्यायालयों ने उपयुक्त प्रतिकर दिलाया तथा उनके लिए अस्पताल निर्माण का दायित्व यूनियन कार्बाइड पर डाला गया। एससी मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 1086 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा कि हम रैलेंड बनाम फ्लेचर नामक वाद में सन 1868 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिपादित कठोर दायित्व के सिद्धांत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तथा न्यायालय ने आगे बढ़कर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी तरह KM बनाम ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड AIR 1997 दिल्ली 201 के वाद में दिल्ली के 5 सितारा होटल के तरण ताल में नुक्स के कारण एक जर्मन अतिथि द्वारा उस ताल में गोता लगाने के लिए छलांग लगाई गई और उसे सिर में गंभीर चोटें आई व 13 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व सिद्धांत के तहत होटल मालिक को दोषी ठहराया। अपकृत्य विधि का अभ्युदय इंग्लैंड से माना जाता है। इंग्लैंड में जब अपकृत्य विधि अपनी शैशवावस्था में थी तब विभिन्न प्रकार के अपकारों अथवा दोषों के बीच कोई अंतर न था। अपराध, अपकृत्य अथवा संविदा भंग जैसा कोई सम विभागीकरण भी न था। उस समय अपराध को अपकृत्य एवं अपकृत्य को अपराध मान लिया जाता था। यहाँ तक कि संविदा भंग को भी कभी कभी अपराध मान लिया जाता था और संविदा भंग कर्ता की अपराधी की तरह सजा दी जाती थी। 14वीं शताब्दी में किसी कार्यवाही की सफलता लेखों की सुलभता पर आधारित थी। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लेख सुलभ हो सकते थे। उस समय की विधि थी जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, अर्थात वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। इसका तात्पर्य है कि अपकृत्य विधि के प्रारंभ काल में यह व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति को यदि न्याय प्राप्त करना है तो अपने अधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यह दर्शित करे कि ऐसे अधिकार के उल्लंघन के फल स्वरूप उपचार उपलब्ध है और वह उपचार पाने का हकदार है, अन्यथा अधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी उपचार नहीं मिलेगा। तत्कालीन समय में उपचार प्राप्त करने की परिस्थिति यदि ऐसी होती थी कि उसके लिए कोई लेख उपलब्ध नहीं था तो वादी की कार्यवाही चाहे वह कितनी भी न्याय संगत क्यों न हो विफल हो जाती थी। लेख के माध्यम से जहाँ उपचार उपलब्ध नहीं था वहाँ यह मान लिया जाता था कि अधिकार भी नहीं है। व्यक्ति के अधिकारों के संदर्भ में विधि का दृष्टिकोण यह नहीं था कि उसके अधिकारों के अतिलंघन के निमित्त उसे उपचार प्रदान कराया जाए, वरन यह देखा जाता था कि क्या किन्हीं परिस्थितियों में कोई उपचार उपलब्ध था अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वादी को अपने प्रति किए गए दोष के लिए समुचित लेख चुनने में सावधानी बरतनी पड़ती थी। यदि वह गलती से ऐसा लेख चुनता था जिसके अंतर्गत उसका वाद नहीं आता था तो उसे विफलता ही मिलती थी। यह स्थिति लगभग 500 वर्षों तक रही, परंतु वर्तमान समय में इंग्लैंड की स्थिति भिन्न है। अब विधि का आधार इस परिकल्पना पर आधारित है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इस लैटिन सूक्ति का अंग्रेजी रूपांतरण इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जब भी किसी विधिपूर्ण अधिकार का उल्लंघन होता है उसके लिए न्यायालय उपचार प्रदान करता है। सन 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पारित होने पर लेखों को उन्मूलित कर दिया गया है। इसके पश्चात किसी वाद में यह उल्लेख करने को आवश्यकता नहीं कि वादी का मामला किसी विशेष लेख के अंतर्गत आता है। जुडिकेचर एक्ट 1873 में यह भी व्यवस्था कर दी गई कि अभिवचन में केवल सारवान तथ्यों का कथन होना चाहिए जिन पर पक्षकार भरोसा करता है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय भी है। अपकृत्य विधि में इस सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में
अपकृत का विकास ही इस सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र का अर्थ है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी सुलभ होना चाहिए। सत्य ही है, अधिकारों का अस्तित्व ही उपचार पर निर्भर है। बिना उपचार के विधि उसी प्रकार का है जैसे कोई विषैला सर्प डस तो सकता है परंतु डसने वाले उसके पास विषदंत ही है ही नहीं। कोई भी विधि उतनी ही प्रभावी मानी जाती है जितनी उसके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था हो। यही दंड की व्यवस्था उपचार है, या फिर अपकृत्य के मामले में वही कृत्य सबसे खतरनाक माना जाता है जिसके उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति ज़्यादा हो। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है नामक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एसबी बनाम वाइट 1703-2 LD Raymond 938 के मामले में किया गया था। इस वाद में वादी एक संसदीय निर्वाचन मंडल का मतदाता था। प्रतिवादी ने जो एक निर्वाचन अधिकारी था भूल से उसको मतदान करने से रोक दिया। इसके बावजूद वादी का प्रत्याशी चुनाव में विजयी हो गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का दावा संस्थित किया। प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि वादी को उस अनुचित कार्य से कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि उसका प्रत्याशी चुनाव जीत गया था, अतः उसे वाद चलाने का कोई हक नहीं था। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वादी को कार्रवाई चलाने का हक था और प्रतिवादी उत्तरदायी था। मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने कहा है कि यदि वादी के पास कोई अधिकार है तो अवश्य ही वह उसका प्रति समर्थन और अनुरक्षण कर सकता है। यदि वह ऐसे अधिकार के प्रयोग अथवा उपयोग में क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसे उपचार भी मिलना चाहिए। और वास्तव में उपचार के बिना किसी विधिक अधिकार की विद्यमानता की बात सोची ही नहीं जा सकती क्योंकि अधिकार का अभाव और उपचार का अभाव दोनों ही पारस्परिक संबंध सूचक या रेसिप्रोकल है। भारजट्टी बनाम विलियम्स 18301V and 415 के मामले में एसबी बनाम वाइट को आधार मानकर निर्णय दिया गया। इस वाद में वादी का प्रतिवादी के बैंक में पर्याप्त धन था फिर भी बैंक ने उसे उसके चेक का भुगतान करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि वादी बैंक से नुकसानी पाने का हकदार था यदि भी चेक के भुगतान न होने से उसे कोई हानि नहीं हुई थी। म्यूनसिपल बोर्ड आगरा बनाम असरफी लाल 9021-1 ILR 44 इलाहाबाद 202 के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जहां अधिकार है वहां उपचार है नामक सिद्धांत को मान्यता दी। इस मामले में वादी एक वैध मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने का हकदार था किंतु उसका नाम अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप वह अपना मत देने के विधिक अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गया था। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है इसलिए वह नुकसानी पाने का हकदार है। बिना हानि के क्षति के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन एसबी मराम वाइट के वाद में किया गया है। इस वाद में इस सिद्धांत को भी बल मिलता है कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, इसीलिए इस सिद्धांत के मूल में एसबी बनाम वाइट का वाद आता है। इंग्लैंड के इस सिद्धांत का प्रयोग भारतीय न्यायालयों ने भी किया है और अपने निर्णयों द्वारा इसको जीवंत बनाया हुआ है। इस प्रकार से हमने आज लॉ ऑफ टॉर्ट्स LLB प्रथम सेमेस्टर के दूसरे विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर चर्चा की। इसी लेक्चर में मैं अटैच करता हूँ अगला पेपर, फोर्थ पेपर, जिसका नाम है फैमिली लॉ 1 हिंदू विधि। हिंदू विधि के भी बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत उत्तरी प्रश्न संख्या 2 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा LLB के छात्रों तक इस लेक्चर को शेयर करें। बने रहें कॉम्पटेरिया पर, निरंतर वीडियोस का अवलोकन करते रहें। प्रश्न इस प्रकार है, LLB प्रथम सेमेस्टर फोर्थ पेपर फैमिली लॉ 1, हिंदू विधि के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। इन स्रोतों में प्रथा या रूढ़ी के महत्व की व्याख्या करें। हिंदू विधि में वैध प्रथा की आवश्यकता क्या है। डिस्कस द मेन सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टम इन दिस सोर्सेस। व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड कस्टम इन हिंदू लॉ। हिंदू विधि के स्रोतों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोतों में मुख्यतः 5 स्रोत आते हैं, श्रुति, स्मृति, निबंध, भाष्य और प्रथा। आधुनिक स्रोतों के अंतर्गत निम्न 3 स्रोत निम्नलिखित किए गए, जैसे साम्या, न्याय तथा सदविवेक।
न्यायिक निर्णय और तीसरा है विधायन लेजिस्लेशन। स्रोत का अर्थ है हिंदू विधि का उद्गम। इस प्रकार यहाँ हमें यह विचार करना है कि हिंदू विधि किस प्रकार अस्तित्व में आई, अर्थात वर्तमान हिंदू विधि को अस्तित्व में आने से पूर्व किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। हिंदू विधि अपने वर्तमान रूप में आने से पूर्व जिस जिस अवस्था में थी उन्हें हिंदू विधि का उद्गम या स्रोत माना जा सकता है। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोतों में प्रथम श्रुति। मनु के अनुसार श्रुति अर्थात जो सुना गया है सिद्धांततः हिंदू विधि के सर्वोच्च तथा प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। श्रुति को दैवी वाणी या आकाशवाणी माना जाता है। श्रुति का अर्थ है जो संतों द्वारा सुना गया। श्रुतियों को चार वेदों, छह वेदांगों तथा 18 उपनिषदों में संग्रहित किया गया है। इसे मुख्यतः धार्मिक रीतियों के अनुष्ठानों तथा सत्य ज्ञान प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने के साधनों के बारे में वर्णन मिलता है। वेद मुख्यतः हिंदू विधि के प्रथागत स्रोत माने जाते हैं। ये सबसे अधिक प्राचीन है तथा इन्हें आकाशवाणी या देववाणी की प्रत्यक्ष घोषणाओं के रूप में मान्यता मिली, यद्यपि वेदों को त्रुटिहीन माना जाता है। तथा चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, परंतु आधुनिक समय में इनका व्यावहारिक मूल्य बहुत कम है। दूसरी है स्रोत स्मृतियाँ। स्मृति का अर्थ है जो कुछ स्मृत या याद है। स्मृतियों का आधार मुख्यतया वेद है। स्मृतियों के लेखक ये दावा नहीं करते स्मृतियाँ शब्दशः दैवी वाणी ही है, परंतु उनका कहना है कि प्रथागत रूप से सुने गए दैवी नियम को उन्होंने संग्रहित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मृतियों का उद्गम दैवी न होकर मानवीय है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अग्रणी है। मनुस्मृति के पश्चात याज्ञवल्क, नारद, पराशर तथा बृहस्पति की स्मृतियों का स्थान विधि को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्रमुख है। स्मृतियाँ दो प्रकार की हैं, भाष्य रूप में जिसके लेखक गौतम, बौधायन, वशिष्ठ तथा पराशर, जिन्हें धर्मसूत्र कहा गया है, जो कि गद्य रूप में है, और जो स्मृतियाँ श्लोक में हैं उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनु, याज्ञवल्क, नारद, विष्णु इसके लेखक हैं, जो कि श्लोकों में है। तीसरा है स्रोत पुराण। मिश्र ने याज्ञवल्क की स्मृति पर अपने भाष्य में यह लिखा है कि विधि के विषय में पुराण आधिकारिक नहीं है। गंगा सहाय बनाम लेखराज में यह निर्णय दिया गया कि पुराण का स्थान विधि के स्रोत के रूप में श्रुति तथा स्मृति के पश्चात आता है। पुराणों को किन्हीं विधि वेत्ताओं ने पांचवा वेद माना है। चौथा महत्वपूर्ण स्रोत है भाष्य तथा निबंध। भाष्य वे हैं जिन्हें स्मृतियों की टीका की गई। भाष्यकारों ने दावा नहीं किया है कि उन्होंने नए कानून बनाए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधियों का संकलन एवं उनकी व्याख्या की है और उस विधि को स्थापित किया। कुछ भाष्य राजा के कहने पर या उनकी संरक्षकता में लिखे गए। प्रीवी काउंसिल का यह कथन उपयुक्त माना जाता है कि ये भाष्य विधि का निर्वचन जैसा कि स्मृतियों में उल्लिखित था करते हुए उसमें इस प्रकार के परिवर्तन लाए जो कि प्रचलित प्रथाओं के संबंध में उस विशेष क्षेत्र में आवश्यक हो गया था जहाँ उनकी रचना की गई। आत्माराम बनाम बाजीराव 1935-62 IA-139 के बाद में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जहाँ स्मृति की विधि तथा भाष्य की विधि में विरोध हो वहाँ भाष्य की विधि मान्य होगी। प्रमुख भाष्य इस प्रकार हैं। प्रथम है दाय भाग जिमूत वाहन द्वारा, द्वितीय है विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क की स्मृति पर मिताक्षरा, तृतीय है मित्र मिश्र द्वारा वीर मित्रोदय, और चौथा है वाचस्पति द्वारा वाद चिंतामणि, और पाँचवा है चंद्रशेखर द्वारा विवाद रत्नाकर इत्यादि। अब हम पाँचवें विशेषता और अंग के बारे में बात करेंगे, कस्टम्स, प्रथाएं। प्रथाएं ऐसे नियमों को कहते हैं जिन्हें किसी विशिष्ट स्थान, विशिष्ट परिवार या विशिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में लंबी अवधि के प्रयोग से विधि से बल प्राप्त हो गया हो। प्रीवी काउंसिल के अनुसार प्रथा किसी विशिष्ट परिवार या जिले में प्रचलित नियम है जिन्हें लंबी अवधि के प्रयोग के कारण कानून से बल प्राप्त हो गया है। प्रथा को वैध होने के लिए प्रथाएँ प्राचीन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, युक्तियुक्त उचित होनी चाहिए तथा विधि के सामान्य नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। प्राचीन लेखकों ने प्रथा के बाध्यकारी लक्षण को स्वीकार किया है तथा माना है कि प्रत्येक प्रथाएं खोदी हुई देववाणियां ही हैं। आधुनिक युग में भी प्रथाओं को उतने ही प्रभावशाली ढंग से स्वीकार किया गया है। रामानंद के बाद में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि प्रथा का सबूत लिखित विधि के लेख से भी ऊपर माना जा सकता है। यह कहा जाता है कि स्मृतियों तथा भाष्य का आधार प्राचीन प्रथाएं ही रही हैं। जिन मामलों में न ही स्मृतियां तथा भाष्य उपलब्ध हैं एवं न ही प्रथाएं उन निर्धारित नियम के संबंध में विधि की सहायता करती है। अन्य स्रोतों में, आधुनिक स्रोतों में विधायन लेजिस्लेशन और दूसरा न्यायिक निर्णय
प्रेसिडेंट्स और न्याय, साम्या तथा सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस सम्मिलित हैं। विधायन, लेजिस्लेशन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने मूल हिंदू विधियों के समय समय पर संशोधित तथा अनुपूरित किया है, जैसे बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 1929, हिंदू गेम्स ऑफ लर्निंग अधिनियम 1930, हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 आदि। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू विधि के पश्चात में चार प्रमुख अधिनियम पारित किए गए, जिनके अंतर्गत भारतीय संसद ने विवाह, दत्तक, संरक्षकता तथा उत्तराधिकार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर हिंदू विधि के इस क्षेत्र को सुनिश्चितता तथा बोधगम्यता प्रदान की, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदि। दूसरी स्रोत है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, ऐसे निर्णय जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, वे उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों में नज़ीर का कार्य करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। वास्तव में विधायन तथा न्यायिक निर्णय हिंदू विधि के स्रोत नहीं हैं। इन्होंने हिंदू विधि को संशोधित करने तथा उनमें निहित खामियों को दूर करने का कार्य किया है। न्यायालय का कार्य विधि का निर्माण करना नहीं, बल्कि न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करके विधि को सुनिश्चित करना है। न्यायिक निर्णय ने मूल हिंदी विधि को संशोधित किया है तथा उनकी खामियों को दूर किया है। अतः हिंदू विधि के वर्तमान स्वरूप के लिए न्यायिक निर्णयों ने कुछ सीमा तक स्रोत का कार्य किया है। उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान काल में विवाह, दत्तक ग्रहण, स्त्री धन आदि के संबंध में ऐसे अनेक निर्णय दिए हैं जिनसे न केवल विधि के निर्वचन का प्रश्न हल हुआ, वरन नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। उदाहरण के लिए प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 628 का निर्णय स्त्री धन के संबंध में पूर्णतया नया सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तीसरा गुण है साम्या, न्याय तथा सद्विवेक, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। भारत में साम्या का उद्गम हिंदू काल में भी मिलता है। इस समय के विधिज्ञ पुराने नियमों एवं विधियों की व्याख्या करने में तथा नवीन नियमों को प्रतिपादित करने में साम्या का सहारा लेते हैं। विभिन्न नियमों में एक बिंदु पर मतभेद के समय उसका समाधान करने हेतु साम्या का सहारा लिया जाता था तथा यह विचार किया जाता था कि परिस्थितियों में क्या उचित होगा। जैसे स्मृतियों के मध्य मतभेद होने पर उसका समाधान तर्क, न्याय तथा साम्या के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता था। इस प्रकार हम हिंदू विधि के स्रोतों को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वे जो प्राचीन स्रोत हैं, जैसे श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्य, प्रथा आदि, यही प्राचीन हिंदू विधि के वास्तविक तथा मूल स्रोत हैं। इनसे ही प्राचीन हिंदू विधि का उद्गम हुआ। इन्हीं में हिंदू वर्ग के आचरण तथा व्यवहार के नियमों का उल्लेख है। परंतु दूसरा स्रोत, जिन्हें आधुनिक स्रोत कहते हैं, इन्हें वास्तविक स्रोत नहीं माना जाता, परंतु प्राचीन या मूल हिंदू विधि में व्याप्त मतभेद, खामियां तथा गलतियों को दूर करने में इनका महत्व कम नहीं। आधुनिक स्रोतों ने हिंदू विधि की भ्रांतियों तथा परस्पर विरोधों को दूर करके उसे निश्चितता तथा व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। प्रथा या रूढ़ी, रूढ़ी को किसी विशिष्ट परिवार या जनपद के उन नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे लंबे समय तक प्रयोग में प्रचलित रहने के फलस्वरूप विधि का बल प्राप्त हो गया है। मानव के प्रारंभिक इतिहास में विधि का मुख्य स्रोत रूढ़ी ही रही है। भारतीय विधि के विकास में रूढ़ी की भूमिका को सदैव स्वीकार किया गया। स्मृतिकारों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि विवादों पर निर्णय लेते समय राजा को रूढ़िगत नियम लागू करने चाहिए। मानव जीवन के विकास में पारस्परिक संघर्ष से बचने तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि समाज के सभी लोग मानव आचरण के प्राथमिक नियमों के अनुसार आचरण करें। इसी आवश्यकता से कुछ मूलभूत नियमों का विकास हुआ जिसे मानव समाज के कोपभाजन के भय से अपने आचरण में स्थान देने लगा। यही मानव आचरण लगातार पालन के आधार पर सुस्थापित नियम बन गए जिन्हें रूढ़ी या प्रथा नाम दिया गया। मनु ने भी रूढ़ियों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि किसी विवाद पर रूढ़िगत नियमों के अनुसार निर्णय देना राजा का कर्तव्य है।
स्मृतिकारों में नारद का मत सर्वोपरि। नारद के अनुसार रूढ़ी ही सब विवादों का निर्णय करती है। कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मुक्त राम लिंगम 1868 में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू विधि व्यवस्था में प्रभावित रूढ़ी शास्त्रों में निर्धारित विधान एवं नियमों के प्रतिकूल होने पर भी मान्य है और प्रतिपादित की जा सकती है। उदाहरण के रूप में एक ऐसी रूढ़ी जिसके अंतर्गत महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त है तथा दक्षिण भारत में ब्राह्मण के कुछ वर्ग में अन्य की लड़की से विवाह करने की प्रथा है। इन प्रथाओं को विधि द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। रूढ़ियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, स्थानीय रूढ़ी या देशाचार, और दूसरा है वर्ग रूढ़ी या सामाजिक या लोकाचार, और तीसरा है पारिवारिक रूढ़िया या कुलाचार। स्थानीय रूढ़ी किसी विशेष देश, राज्य या जनपद तक सीमित होती है तथा उसके सभी निवासियों पर बाध्यकारी होती है। यहाँ तक कि किसी विशिष्ट शहर की भी पृथक प्रथा हो सकती है। सामाजिक रूढ़ी या वर्ग रूढ़ी किसी विशिष्ट जाति समुदाय या किसी विशिष्ट वृत्ति या धंधे में प्रचलित होती है, और जैसे कृषि, व्यापार आदि क्षेत्रों में प्रचलित रूढ़ियाँ हैं। पारिवारिक रूढ़ियाँ किसी विशिष्ट परिवार तक सीमित रहती है, जैसे उत्तराधिकार तथा धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित विधियाँ। रूढ़ी की आवश्यक शर्तें हैं प्राचीनता, समरूपता तथा निरंतरता, स्पष्टता तथा निश्चितता, युक्तियुक्तता, नैतिकता या लोकनीति के अनुकूल, रूढ़ी विधि विरुद्ध न हो, और बाध्यता। रूढ़ी के वैध होने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ी का प्रचलन प्राचीन काल से या पुरातन समय से हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि रूढ़ी स्मरणातीत समय से प्रचलन में हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 अ के अनुसार रूढ़ी तभी मान्य होगी जब वह दीर्घकाल से चली आ रही है। दीर्घकाल की परिभाषा समयावधि के आधार पर देना कठिन है। न्यायालयों का मत है कि 100 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से चली आ रही रूढ़ी प्राचीन कहलाएगी। प्रिवी काउंसिल ने मत व्यक्त किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक रूढ़ी स्मरणातीत हो। कितनी प्राचीन रूढ़ी को मान्यता दी जानी चाहिए यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। देवयात्री याची बनाम चिदम्बरा 1954 के बाद में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा कि 25 वर्ष पूर्व 1925 में एक पुरोहित विरोधी संस्था ने यह प्रचलन चलाया कि हिंदू विवाह सभी प्रचलित अनुष्ठानों का त्याग कर सरल विधि से संपन्न होना चाहिए। इस आंदोलन के अंतर्गत प्रथम विवाह 1925 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सिर्फ 25 वर्ष की अवधि रूढ़ी की स्थापना के लिए अपर्याप्त है। सेकेंड है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। एक रूढ़ी के लिए वैधता प्रदान करने वाली अनिवार्य शर्त निरंतरता है। यदि यह साबित हो जाए कि एक रूढ़ी 200 वर्ष प्राचीन है तो इस रूढ़ी को वैधता प्रदान करते हुए यह भी साबित करना आवश्यक है कि जब से रूढ़ी का प्रचलन प्रारंभ हुआ तब से वह रूढ़ी निरंतर प्रचलन में है। निरंतरता का अभाव इस बात का प्रमाण है कि रूढ़ी को परित्यक्त कर दिया गया है। यह परित्यजन जानबूझकर भी हो सकता है या आकस्मिक भी हो सकता है, लेकिन किसी रूढ़ी का निरंतर पालन न होना इस बात को साबित करता है कि वह रूढ़ी लुप्त हो गई है। एक पारिवारिक रूढ़ी के संबंध में प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि हो सकता है कि जब रूढ़ी का निरंतर पालन नहीं हो रहा है, उत्तराधिकार में भी पारिवारिक रूढ़ी को परित्यक्त कर दिया गया है तथा उसका स्थान सार्वजनिक उत्तराधिकार विधि ने ले लिया है। इस प्रकार निरंतरता रूढ़ी की वैधता के लिए उतना ही आवश्यक तत्व है जितना उसकी प्राचीनता। तीसरा गुण है निश्चितता। निश्चितता रूढ़ी का तीसरा आवश्यक है। रूढ़ी तभी मान्य होगी जब यह सिद्ध हो जाए कि निश्चित रूप से रूढ़िगत नियम क्या है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी विषय पर रूढ़िगत नियम लागू होता है, इसे रूढ़ी की रूपरेखा तथा उसके लागू होने के ढंग को निश्चितता के साथ प्रमाणित करना होगा। यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभित्यजन रूढ़ी यथार्थ में क्या है, इसका निश्चित रूप क्या है। चौथा गुण है युक्तियुक्तता, रीजनेबलनेस। रूढ़ी को वैध होने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ी युक्तियुक्त हो। अयुक्तियुक्त रूढ़ी अमान्य तथा शून्य होती है। क्या युक्तियुक्त है, क्या युक्तिसंगत नहीं है, यह समाज की धारणाओं पर आधारित होता है। ये धारणाएं या मान्यताएं
निश्चय उस समाज की मान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है जहां उस मान्यता पर प्रश्न उठे। पांचवा गुण है रूढ़ी अनैतिक या लोक नीति के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। अनैतिक रूढ़ियाँ अमान्य एवं शून्य होती है। नैतिक क्या है, क्या अनैतिक क्या है, इसका स्वरूप समाज में समय तथा काल के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक समाज की नैतिक मान्यताएं भिन्न होती हैं। यदि रूढ़ी समकालीन समाज की धारणाओं के अनुरूप नहीं है तो वह रूढ़ी अमान्य होगी। उदाहरण के रूप में यदि एक रूढ़ी ऐसी है जिसके अनुसार पत्नी पति की अनुमति के बिना उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर ले, या पति पत्नी को कुछ धन देकर विवाह विच्छेद कर ले, या अपने पुत्र को दूसरे परिवार में दत्तक देने वाला पिता धन की मांग करे, ये सभी रूढ़ियाँ अनैतिक होने के कारण अमान्य तथा शून्य है। देवनारी की रूढ़ी जो दक्षिण भारत में प्रचलित है लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। इसी प्रकार पूजा स्थानों पर सार्वजनिक रूप से बलि देने वाली रूढ़ी भी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। नर्तकियों में एक या अधिक पुत्री गोद लेने की रूढ़ी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। इसी प्रकार न्यासी द्वारा न्यास की संपत्ति को बेचने का अधिकार प्रदान करने वाली रूढ़ी लोक नीति के प्रतिकूल होने के कारण अमान्य है। छठा गुण है रूढ़ी या विधान विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विधि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू विधि के अधीनस्थ रूढ़ियों को उन संबंधित विधियों के अंतर्गत संहिताबद्ध करते समय समाविष्ट कर लिया गया। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह से संबंधित रूढ़िगत अनुष्ठानों को विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अतः अब यदि इस संबंध में कोई ऐसी रूढ़ी है जो विवाह से संबंधित है तथा विवाह अधिनियम के प्रतिकूल है तो वह रूढ़ी विधि विरुद्ध होने के कारण अमान्य होगी। इस प्रकार संहिताबद्ध हिंदू विधि में रूढ़ी वहीं तक मान्य है जहां तक उसे अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है। आखिरी विशेषता है बाध्यता। रूढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो इससे शामिल हो रहे लोगों पर समान रूप से बाध्यकारी हो। जिस पर यह शासित होती है रूढ़ी वो लोगों पर समान रूप से बाध्यकारी हो। इस प्रकार रूढ़ी वे नियम है जो किसी विशिष्ट जनपद या परिवार में लंबे समय तक प्रयोग में प्रचलित होने के कारण विधि का बल प्राप्त कर लिए हैं। रूढ़ी प्राचीन निरंतर स्पष्ट निश्चित युक्तियुक्त नैतिक तथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध सिद्धांत बन चुका है कि एक स्पष्ट एवं निश्चित रूढ़ी को लिखित विधि पर भी वरीयता प्राप्त होगी। आज का LLB प्रथम सेमेस्टर थर्ड पेपर लॉ ऑफ टार्ट्स और LLB प्रथम सेमेस्टर फोर्थ पेपर फैमिली लॉ 1 हिंदू विधि के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर मैंने विस्तृत उत्तरी चर्चा की। कॉम्पटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। कॉम्पटेरिया पर विधि के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स आते रहेंगे। आगामी दिनों में ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराई जाएगी, जो भी अभी 1-1.5 साल के बाद स्टार्ट की जाएगी कॉम्पटेरिया पर। अभी विधि प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, प्रथम द्वितीय वर्ष प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ निरंतर चलती रहेंगी, जिस क्रम में मैंने प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के ही क्लासेस अभी अगस्त तक मैं चलाऊंगा, जुलाई अगस्त तक। कॉम्पटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉम्पटेरिया का प्रत्येक श्रोता एक पौधा लगाने का संकल्प लेगा, पौधे लगाइए, वातावरण को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाइए, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं और कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर विधि के लेक्चर्स को सुनते रहें। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।